हेलो हाय गाइस, हाउ आर यू। आई एम नीरज तिवारी। वेलकम टू ट्यूब लिसनर्स, व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। गाइस, पेट का पेपर लगा हुआ है, साथ ही साथ यूपी एसआई का पेपर लगा हुआ है, साथ ही साथ कई वन डे एंट्रेंस लगे हुए हैं, जैसे कि यूपी पीसीएस हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, और फिर वीडियो का भी पेपर होने वाला है। ठीक है, वीडियो का भी पेपर दोबारा होने वाला है, तो इसमें भी पुस्तक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पुस्तक और उनके लेखक। तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम लोग देखेंगे। 50 से 60 पुस्तक के नाम हैं और उनके राइटर्स हैं, उन्हें आज हम लोग देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, इसलिए कॉपी और पेपर उठा के बैठिएगा, क्योंकि नोट डाउन आपको करना ही करना है। एनटीपीसी में खूब धमाल मचाया है क्वेश्चंस एनटीपीसी। ठीक है, तो साथ ही साथ ये बहुत सारे वन डे एंट्रेंस, जैसे एसएससी हो गया, वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आरआरबी एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, साथ ही साथ पेट हो गया, यूपीएसआई हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, वहाँ पे ये धमाल मचाने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है लॉकडाउन लिएशन के लेखक जो हैं वो शोभा डे जी हैं। शोभा डे लॉकडाउन लिएशन के लेखक शोभा डे जी हैं। सेकंड पे बात करते हैं माई लाइफ माई मिशन, तो माई लाइफ माई मिशन के लेखक बाबा रामदेव जी हैं, आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर बताए जा रहे हैं, आयुर्वेद के सबसे अग्रणी में खड़े हुए बाबा जी हैं बाबा रामदेव, माई लाइफ माई मिशन के लेखक हैं, ध्यान रखना है। वन अरेंज मर्डर के लेखक कौन हैं, तो चेतन भगत जी हैं। बहुत ही फेमस पुस्तक है, एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है वन अरेंज मर्डर, इसके लेखक कौन हैं, चेतन भगत जी हैं। ए सेंचुरी इज़ नॉट एनफ के लेखक कौन है, तो दादा के नाम से कौन मशहूर है, तो सौरभ गांगुली जी की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है ए सेंचुरी इज़ नॉट एनफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी तक वन डे एंट्रेंस में बहुत बार आ चुकी है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग की लेखिका कौन है, अरुंधति राय जी हैं। अरुंधति राय, एसएससी हो या फिर एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, साथ ही साथ वीडियो में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आइए नेक्स्ट टाइम पे बात करते हैं द लिविंग माउंटेन के लेखक कौन हैं, तो अमिताभ घोष। ठीक है, द लिविंग माउंटेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ध्यान रखना है द लिविंग माउंटेन। नेक्स्ट पे बात करते हैं ए सी ई अंगेस्ट आर्ट्स के पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो सानिया मिर्जा जी हैं, पाकिस्तान में इनकी शादी हुई है, ध्यान रखना है, भारतीय मूल की हैं सानिया मिर्जा, ए सी ई अंगेस्ट आर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है वो है गीता रहस्य के लेखक कौन हैं, तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था गीता रहस्य, महत्वपूर्ण पुस्तक है, अभी लेटेस्ट में चर्चा में रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पुस्तक की बात करते हैं द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं बिमल जालौन जी द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट कांग्रेस के बहुत ही सुप्रसिद्ध नेता शशि थरूर जी की एक पुस्तक आ गई है द ग्रेट इंडियन नोबेल, इस समय धमाल मचाए हुए है, वन डे एंट्रेंस में पूछे जाने की संभावना प्रबल है, इसलिए बात करते हैं द ग्रेट इंडियन नोबेल की, स्टार लगा के रखना है, शशि थरूर जी की ये पुस्तक है, पूछने की चेष्टा बहुत ज़्यादा है, यानी संभावना बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट मेरी 51 कविताएँ के लेखक कौन है, तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुस्तक है मेरी 51 कविताएँ। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक आती है योर बेस्ट डे इज़ टुडे पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो अनुपम खेर जी हैं योर बेस्ट डे इज़ टुडे पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट चेकबुक, पुस्तक का नाम है चेकबुक, इसके लेखक कौन हैं, तो वासुदेव मोही साहब चेकबुक पुस्तक के लेखक हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आरआरबी एनटीपीसी में कई बार पूछा गया टू एटी वन एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो क्रिकेटर बी बी एस लक्ष्मण साहब की पुस्तक है 281 एंड बियॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक आई है द टेस्ट इज़ माई लाइफ यह पुस्तक किसकी है, तो यह क्रिकेटर युवराज सिंह की है द टेस्ट इज़ माई लाइफ ये युवराज सिंह की प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट टाइम पे बात करेंगे रस्किन बॉन्ड साहब की एक फेमस पुस्तक अ सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं, तो अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है शतरंज के जादूगर कहे जाने वाले विश्वनाथन आनंद साहब की पुस्तक देखते हैं हम लोग मास्टर माइंड के लेखक कौन हैं, तो विश्वनाथन आनंद। ठीक है, 5 बार के चैंपियन हैं, ध्यान रखना है, शतरंज खेलते हैं विश्वनाथन आनंद जी।
नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है वो रोलिंग की है, और रोलिंग की पुस्तक का नाम क्या है, तो इकाबोग, इकाबोग द इकाबोग पुस्तक के लेखक कौन है, तो रोलिंग साहब है, रोलिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वी आर डिस्प्लेस पुस्तक के लेखक कौन है, मलाला यूसुफ जई, पाकिस्तान की युवा लेखिका हैं, ध्यान रखना है, युवा समाज से भी हैं, इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, मलाला यूसुफ जई वी आर डिस्प्लेस पुस्तक की लेखिका हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक आती है, नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यानी कि सिक्योरिटी से संबंध रखता है, यानी सेना से संबंधित कोई अधिकारी लिखा होगा, तो मनोज मुकुंद नरवड़े साहब ने लिखा है, मनोज मुकुंद नरवड़े साहब ने नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज नामक बुक लॉन्च की है। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक आती है, द प्रॉमिस लैंड के लेखक कौन है, तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं बराक ओबामा साहब, उन्होंने लिखा है द प्रॉमिस लैंड, ठीक है। द प्रॉमिस लैंड पुस्तक क्या है, तो द प्रॉमिस लैंड पुस्तक बराक ओबामा साहब की है। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कर्मयोद्धा पुस्तक के लेखक कौन है, तो अमित शाह ने लिखा है, वर्तमान में गृहमंत्री हैं भारत सरकार के, और ये पुस्तक किस पे आधारित है, तो कर्मयोद्धा पुस्तक जो है ये नरेंद्र मोदी पे आधारित है, अमित शाह ने लिखी है, ध्यान रखना है। एन इरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है, तो कांग्रेस के बहुत ही फेमस नेता शशि थरूर जी वर्तमान में कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, और एन इरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक भी हैं। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, अभी तहलका मचाए हुए है, बुहान डायरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो फांग फांग साहब ने लिखा है बुहान डायरी। बुहान शहर से याद आता होगा, कोरोना का जन्मदाता शहर है वुहान, बुहान चीन में पड़ता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक आती है वो आती है द लो लैंड पुस्तक के लेखक कौन है, तो झुंपा लाहड़ी जी हैं द लो लैंड पुस्तक की लेखिका। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक आती है, शगी वैन डगलस साहब की पुस्तक है, ध्यान रखना है, शगी वैन डगलस साहब की पुस्तक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वनडे इंटरेस्ट में कई बार पूछी जा चुकी है, अभी लेटेस्ट में करंट में भी रिकॉल हो सकती है। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक आती है वो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की बुक आएगी, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक किसकी है, सचिन तेंदुलकर, क्रिकेटर के भगवान सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है प्लेइंग इट माई वे। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक आएगी वो बिंग गांधी पुस्तक का नाम है, पारो आनंद साहब ने इसे लिखा है, पारो आनंद, ठीक है, बिंग गांधी पारो आनंद। नेक्स्ट अनब्रेकेबल बुक का नाम है और इसकी लेखिका कौन है, तो मैरी काम, ठीक है, अनब्रेकेबल लेखिका कौन है, मैरी काम, ठीक। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक आएगी वो आएगी विंग ऑफ फायर, सभी के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम की फेमस पुस्तक है विंग ऑफ फायर। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक आती है, पाटलिपुत्र की सामग्री पुस्तक के लेखक कौन है, तो शरद पगारे साहब ने लिखा है पाटलिपुत्र की सामग्री नामक बुक को। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी लेटेस्ट में चर्चा में है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट या फिर जातियों का अंत नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो भारतीय संविधान के निर्माता B.R. अम्बेडकर साहब ने अनहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जातियों का अंत नामक पुस्तक की रचना की है B.R. अम्बेडकर, अनहिलेशन ऑफ कास्ट। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक अभी लेटेस्ट में लॉन्च हुई है सोनू सूद और मीना अय्यर के द्वारा ध्यान रखना है, आई एम नो मसीहा पुस्तक किस पे लिखी गई है, कोरोना COVID-19 में बहुत ही ज़्यादा लोगों की सहायता करने वाले सोनू सूद के ऊपर लिखी गई ये पुस्तक है, आई एम नो मसीहा, ठीक है, सोनू सूद और मीना अय्यर ने मिलकर लिखी है। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिलीव पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये सुरेश रैना जी हैं, क्रिकेटर हैं, ध्यान रखना है, क्रिकेट से संबंध रखते हैं, बिलीव इनकी बुक है। ऐसे ही द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस ये अरुंधति राय जी की पुस्तक है, ठीक। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक आती है 2019 में मैन बुकर पुरस्कार जीत चुकी है, सिनिस्टियल बॉडी 2019 में मैन बुकर पुरस्कार जीत चुकी है, जोखा अलहारती जी की पुस्तक है, ध्यान रखना है। 2020 की बुकर प्राइज विजेता पुस्तक कौन सी है, तो द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग पुस्तक की लेखिका कौन है, तो माइकल लुकास और
रिजनेबेल्ड, माइकल लुकास और रिजनेबेल्ड ने लिखी है। द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग 2020 की बुकर प्राइज विजेता ये पुस्तक है। द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, ध्यान रखना है, माइकल लुकास और रिजनेबेल्ड ने लिखी है। नेक्स्ट आज़ादी पुस्तक आती है। आज़ादी पुस्तक की लेखिका है अरुंधति राय जी, ध्यान रखना है अरुंधति राय। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक आती है 2021 की बुकर प्राइज विजेता पुस्तक है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक पुस्तक की लेखक कौन है? तो डेविड डायप। डेविड डायप ने पुस्तक को लिखा है। 2021 में बुकर पुरस्कार जीत चुकी है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक पुस्तक। तो इसके लेखक कौन है? डेविड डायप। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक आती है सगी बहन। सगी बहन पुस्तक के लेखक डुगलस स्टुअर्ट हैं। डुगलस स्टुअर्ट, ध्यान रखना है। और द वाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो द वाइट टाइगर पुस्तक के लेखक हैं अरविंद अगीदा। अरविंद अगीदा। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक जिनके लेखक और जो वनडे एंट्रेंस में पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं रखती हैं उन्हीं को हम लोगों ने शामिल किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर रहे हैं जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए जय हिंद।